Good morning, students. Today I am discuss about the quadratic equation, exercise 4.1. लास्ट लेक्चर में आपको बताया गया है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जनरल फॉर्म जो होता है वो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू जीरो होता है, वेयर a इज नॉट इक्वल टू जीरो. a b c दीज आर रियल नंबर बट a इज नॉट इक्वल टू जीरो. a जीरो नहीं होता है, b जीरो हो सकता है, c जीरो हो सकता है. देखिएगा जब c जीरो होगा तो कांस्टेंट टर्म नहीं रहेगा, b जीरो होगा x नहीं रहेगा, लेकिन a अगर जीरो हो जाए तो x स्क्वायर नहीं रहेगा तो डिग्री 2 नहीं होगी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं हो पाएगा. तो a इज नॉट इक्वल टू जीरो, a जीरो के इक्वल नहीं होना चाहिए. इज इट क्लियर? तो लिसन, फर्स्ट क्वेश्चन, चेक वेदर द फॉलोइंग आर क्वाड्रेटिक इक्वेशन. फर्स्ट पार्ट ये है, x प्लस 1 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2 इंटू एक्स माइनस 3. एक्स प्लस 1 होल स्क्वायर को ब्रेक कर देंगे, a का स्क्वायर प्लस 2ab. 2ab मीन्स 2 इंटू एक्स इंटू 1. 2 इंटू एक्स इंटू 1 इज इक्वल टू 2x. अब प्लस बी स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 इज इक्वल टू, इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे 2x माइनस 6. सबको एक तरफ कर लेंगे, ट्रांसफर कर लेंगे, इसको इधर ट्रांसफर कर लेंगे, तो दैट इज एक्स स्क्वायर प्लस 2x. ये प्लस 1 यहां लिख दिया, ये 2x को इधर कर लिया तो माइनस 2x, इसको इधर कर लिया, ट्रांसफर कर दिया तो प्लस 6 इज इक्वल टू 0. 2x और 2x आपस में कट ऑफ हो जाएंगे क्योंकि ये पॉजिटिव साइन है, ये नेगेटिव साइन है, बोथ आर इक्वल एंड ऑपोजिट साइन, कट ऑफ हो जाएंगे. एक्स स्क्वायर प्लस 7 इज इक्वल टू 0. दिस कैन बी रिटन एज, इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, कैसे, तो 1 इंटू एक्स स्क्वायर दैट इज एक्स स्क्वायर, अब प्लस 0 इंटू एक्स, 0 0 लिखना जरूरत नहीं है इसलिए एक्स नहीं है, एब्सेंट है, यहां एक्स एब्सेंट है. अब प्लस 7, सी की जगह पर 7 है, इज इक्वल टू 0, विच इज इन द फॉर्म ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0. सो इट इज लीनियर इक्वेशन. सेकेंड क्वेश्चन इसका, एक्स स्क्वायर माइनस 2x इज इक्वल टू माइनस 2 इंटू ब्रैकेट में 3 माइनस एक्स. इसको इसी तरह लिख लेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 2x, आइए मल्टीप्लीकेशन है, इन दोनों ब्रैकेट के बीच में कोई साइन नहीं है तो मल्टीप्लीकेशन है, माइनस 2 इंटू 3 इज इक्वल टू माइनस 6, आ माइनस 2 इंटू माइनस एक्स इज इक्वल टू प्लस 2x. एक्स स्क्वायर माइनस 2x, आई इसको इधर ट्रांसपोज कर लेंगे, ट्रांसफर कर लेंगे तो माइनस 6 इधर आएगा तो प्लस 6, आइए प्लस 2x आएगा तो माइनस 2x इज इक्वल टू 0. दैट इज एक्स स्क्वायर माइनस 2x और माइनस 2x मिलकर माइनस 4x हो जाएंगे, प्लस 6 इज इक्वल टू 0. इट इज इन द फॉर्म ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी. सो इट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन. थर्ड क्वेश्चन है, एक ब्रैकेट में एक्स माइनस 2, इन अदर ब्रैकेट एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू एक्स माइनस 1 एक ब्रैकेट में, अदर ब्रैकेट एक्स प्लस 3. इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन है, तो इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन के लिए पहले एक्स के साथ हम पूरे ब्रैकेट को लिख देते हैं, एक्स और ब्रैकेट में ये एक्स प्लस 1, और फिर माइनस 2 के साथ इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन है तो माइनस 2 और ब्रैकेट में इसको, ठीक इसी तरह से इसको एक्स ब्रैकेट में एक्स प्लस 3 और माइनस 1 ब्रैकेट में इतना, इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे, दैट इज एक्स स्क्वायर एक्स इंटू 1 एक्स प्लस एक्स हो जाएगा, माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 2x, माइनस 2 इंटू प्लस 1 इज इक्वल टू माइनस 2. इसको भी उसी तरह मल्टीप्लाई करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 1x, तो 1 नहीं लिखते हैं, एक्स माइनस 3. सबको एक तरफ ट्रांसफर कर लेंगे थोड़ा सा सॉल्व करके इसको, दैट इज एक्स स्क्वायर, आइए देखिएगा ये माइनस 2x है, ये प्लस x है, तो इसमें से ये माइनस हो जाएगा तो माइनस x हो जाएगा, बड़े वाले का साइन होता है, माइनस 2 इज इक्वल टू दैट इज एक्स स्क्वायर, अब 3x माइनस x प्लस 2x हो जाएगा,
माइनस थ्री, सबको एक तरफ ट्रांसफर कर लेते हैं, तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस टू, इसको इधर लाएंगे तो माइनस एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स, ये माइनस थ्री है तो प्लस थ्री इज इक्वल टू जीरो, एक्स स्क्वायर इज कट ऑफ बाई एक्स स्क्वायर, अब माइनस एक्स और माइनस टू एक्स मिलकर अब माइनस थ्री एक्स हो जाएंगे, और माइनस टू है अब प्लस थ्री है, दैट बिकेम प्लस वन इज इक्वल टू जीरो। इसमें एक्स स्क्वायर वाला टर्म नहीं है, एक्स स्क्वायर का टर्म नहीं है, यानी कि एक्स स्क्वायर नहीं है, इसलिए ये एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के रूप में नहीं है, एक्स स्क्वायर का टर्म ऊपर प्रेजेंट होना चाहिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन होने के लिए, एक्स स्क्वायर का टर्म नहीं है इसलिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। इस तरह से इस फर्स्ट क्वेश्चन में एट क्वेश्चन है, एट पार्ट है, और बाकी आप रिमेनिंग आप करेंगे सॉल्व करेंगे। हम सेकंड क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, इनको सेकंड क्वेश्चन में देखें आपको करना क्या है कि वर्ड प्रॉब्लम दिए गए हैं, वर्ड प्रॉब्लम से आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म करना है, सॉल्यूशन नहीं निकालना है, सॉल्यूशन नहीं फाइंड आउट करना है, आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म करना है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन, हाउ टू फॉर्म द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, वी कैन सी द सेकंड क्वेश्चन ऑफ 4.1, एक्सरसाइज 4.1, रिप्रेजेंट द फॉलोइंग सिचुएशंस इन द फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यानी कि आपको करना क्या है कि जो नीचे जो भी सिचुएशंस दिए गए हैं, जो भी क्वेश्चन दिए गए हैं, उनको का उनका क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना देना है, फॉर्म द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। फर्स्ट क्वेश्चन है द एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट इज 528 मीटर स्क्वायर, रेक्टेंगुलर प्लॉट का एरिया 528 मीटर स्क्वायर है, द लेंथ ऑफ प्लॉट इज वन मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेथ, लेंथ ब्रेथ के ट्वाइस से वन मोर है, लेंथ इज ट्वाइस मोर देन इट्स ब्रेथ, वी नीड टू फाइंड द लेंथ एंड ब्रेथ। तो क्वेश्चन में मेन दिया गया है ब्रेथ और लेंथ का रिलेशन दिया गया है और एरिया दिया गया है, तो लेंथ और ब्रेथ का रिलेशन क्या दिया गया है कि लेंथ इज ट्वाइस मोर देन ब्रेथ, ब्रेथ छोटा है, तो सबसे पहले हम सपोज कर लेंगे लेट द ब्रेथ ऑफ द प्लॉट इज एक्स मीटर, एक्स मीटर, सो लेंथ, क्वेश्चन क्या कह रहा है कि लेंथ इज वन मोर देन ट्वाइस द ब्रेथ, वन मोर देन मैंने वन बड़ा है, अब बड़ा के लिए प्लस किया जाता है, अब किससे बड़ा है तो ब्रेथ के ट्वाइस से, ब्रेथ के ट्वाइस से, यानी कि 2x 2 इंटू ब्रेथ, ट्वाइस ब्रेथ हो गया, अब प्लस वन, वन मोर देन ट्वाइस द ब्रेथ, लेंथ मिल गया। अब क्वेश्चन में दिया गया है कि आप यू नो दैट एरिया रेक्टेंगल इज इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेथ, और एरिया रेक्टेंगल दिया गया है 528 मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू लेंथ की जगह पर ये 2x प्लस 1 आई टू ब्रेथ की जगह पर ये x उठाकर रखेंगे, अब मल्टीप्लाई कर लेंगे, ये 528 इज इक्वल टू 2x में x का मल्टीप्लाई करेंगे 2x स्क्वायर और 1 इंटू एक्स प्लस एक्स, ये सबको एक तरफ ट्रांसफर कर लेंगे, ये 0, ये 2x स्क्वायर प्लस एक्स, अब 521 उधर ट्रांसफर हो जाएगा तो माइनस, इतना, दिस इज द लीनियर इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म हुआ। इन सेकंड क्वेश्चन, इसके सेकंड क्वेश्चन में देखेंगे क्या कहा जा रहा है, कहा जा रहा है कि द प्रोडक्ट ऑफ टू कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर इज 306, टू कंसेक्यूटिव इंटीजर का, द प्रोडक्ट ऑफ टू कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर इज 306, इट मीन्स टू कंसेक्यूटिव इंटीजर। तो इंटीजरों की प्रॉपर्टी को हम देखते हैं, इंटीजर जो होते हैं माइनस में माइनस वन माइनस टू माइनस थ्री और प्लस में 0, 1, 2, 3, 4, यानी कि लगातार, अगर कंसेक्यूटिव मैंने लगातार, अगर लगातार दो कंसेक्यूटिव इंटीजर को लें तो इनके बीच का गैप क्या है, वन के बाद टू एक का गैप है, यानी कि फर्स्ट इंटीजर में वन ऐड कर देंगे तो सेकंड मिल जाएगा, सेकंड में वन ऐड करेंगे तो थर्ड मिल जाएगा, यानी कि एक एक के गैप से ये चलते हैं, 1, 2, 3, 4 एक का गैप है। तो फर्स्ट इंटीजर को आप ले लें यहां
लेट फर्स्ट इंटीजर बी एक्स, फर्स्ट इंटीजर एक्स है, तो सेकंड इंटीजर इसके बाद वाला जो इंटीजर मिलेगा वो इससे एक बड़ा मिलेगा, वन ग्रेटर मिलेगा, जैसे टू के बाद थ्री होता है, फाइव के बाद सिक्स होता है, उसी तरह एक बड़ा मिलेगा, तो एक्स सेकंड इंटीजर हो जाएगा एक्स आप प्लस वन, इस एक्स में वन ऐड कर देंगे तो उसके आगे वाला इंटीजर मिल जाएगा। अब दीज आर टू इंटीजर कह रहा है, क्वेश्चन क्या कह रहा है कि प्रोडक्ट ऑफ दीज टू इंटीजर, इन दोनों इंटीजरों का प्रोडक्ट यानी कि एक्स इंटू एक्स प्लस वन इज 306, ये क्वेश्चन कह रहा है। इतना इक्वल कर दिया, इसको मल्टीप्लाई कर दिया, दैट इज एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इज इक्वल टू 306, 306 को इधर ट्रांसपोज कर लेंगे, ट्रांसफर कर लेंगे, तो ये एक्स स्क्वायर प्लस एक्स आइए इधर आएगा तो माइनस 306 इज इक्वल टू 0, दिस इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म हो गया। सेकंड पार्ट का थर्ड क्वेश्चन है, रोहन्स मदर इज 26 ईयर ओल्डर देन हिम, रोहन की मदर रोहन से 26 ईयर बड़ी है, ओल्डर बड़ी है, बड़ी है, द प्रोडक्ट ऑफ देयर एज इन ईयर, माने इन दोनों की एज क्या प्रोडक्ट, कब प्रोडक्ट, तो 3 years फ्रॉम नाउ विल लग गया, ध्यान देंगे विल लग गया यानी कि फ्यूचर टेंस है, फ्यूचर टेंस में आप बड़े होंगे, अब पास्ट टेंस के लिए वाज लगाया जाता है तो वाज लगेगा तो आपका एज कम होगा, ध्यान दें, अगर आज आप 10 साल के हो तो 5 years बाद, 5 years बाद माने फ्यूचर में 5 साल बाद आपकी एज क्या हो जाएगी, तो 10 + 5 = 15, अब 5 years बिफोर योर एज वाज, आपका एज कितना था, तो 5 = 10 -5 कर दिया जाएगा, तो वाज जहां लगेगा वहां माइनस कीजिएगा, विल जहां होगा वहां प्लस कीजिएगा, ये ध्यान देंगे आप। तो कहा जा रहा है कि 3 years फ्रॉम नाउ विल बी द प्रोडक्ट ऑफ देयर एज, उन दोनों के एज का प्रोडक्ट कब, तो 3 years फ्रॉम नाउ, आज से 3 साल बाद उन दोनों की एज का प्रोडक्ट, रोहन और उसके मदर की एज का प्रोडक्ट 360 है, वी वुड लाइक टू फाइंड रोहन प्रेजेंट एज, रोहन की प्रेजेंट एज को हम फाइंड करना चाहते हैं, तो सबसे पहले प्रेजेंट एज सपोज कर लेंगे, लेट द प्रेजेंट एज ऑफ रोहन इज एक्स ईयर्स, रोहन का प्रेजेंट एक्स है, अब रोहन मदर इज 26 ईयर ओल्डर देन रोहन, तो सो प्रेजेंट एज ऑफ हिज मदर, हिज रोहन के लिए आया है, हिज मदर रोहन की मदर का प्रेजेंट एज जो होगा वो एक्स यानी कि रोहन, और उससे कितना बड़ी है, तो 26 ईयर बड़ी है, बड़ी के लिए प्लस लगाया जाता है, तो एक्स प्लस 26 रोहन की मदर हो गई। अब क्वेश्चन कह रहा है कि आफ्टर 3 years, 3 साल बाद फ्यूचर में, आफ्टर 3 years द एज ऑफ रोहन विल के लिए प्लस लगाइएगा, आज रोहन का एज कितना है एक्स, आफ्टर 3 years 3 साल बाद विल कितना हो जाएगा एक्स प्लस 3, और मदर वाला मदर का एज वो भी तो बढ़ेगी, मदर भी बढ़ेंगी, तो मदर का एज जो हो जाएगा एक्स प्लस 26 था, तो वो एक्स प्लस 26 प्लस 3, आफ्टर 3 years ये रोहन और ये उनके मदर का एज हो जाएगा, क्लियर। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कह रहा है कि आफ्टर थ्री ईयर्स द प्रोडक्ट ऑफ देयर एज, इन दोनों के एज का प्रोडक्ट, ये रोहन का एज और ये उनकी मदर का एज, इन दोनों का प्रोडक्ट यानी कि एक्स प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 29 इज 360, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, एक्स एक्स में एक्स स्क्वायर, 3 इंटू एक्स 3x, 29 इंटू एक्स 29x, 3 इंटू 29 प्लस में 87 इज इक्वल टू 360, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, 3x और 29x ये सिमिलर है, ऐड हो जाएंगे 32x प्लस 87 इज, आई इसको इधर ट्रांसफर कर लेंगे, हम ट्रांसफर कर लेंगे तो 360 इधर पॉजिटिव है, इधर आएगा तो माइनस 360 इज इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर प्लस 32x और 360 में से ये माइनस हो जाएगा क्योंकि ये नेगेटिव है और ये पॉजिटिव है, तो ये माइनस हो जाएगा, तो 273 इज इक्वल टू 0, दिस इज द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म हुआ।
ये फोर्थ पार्ट इसका है, क्या कह रहा है फोर्थ पार्ट देखेंगे सुनेंगे। कह रहा है कि ये ट्रेन ट्रेवल ए डिस्टेंस ऑफ 480 किलोमीटर एट यूनिफॉर्म स्पीड, एक ट्रेन 480 किलोमीटर ट्रेवल कर रही है यूनिफॉर्म स्पीड से। इफ द स्पीड हैज बीन 8 किलोमीटर पर आवर लेस, अगर स्पीड को 8 किलोमीटर पर आवर कम कर दिया जाए, लेस कर दिया जाए, तो देन इट वुड हैव टेकन 3 आवर मोर टू कवर द सेम डिस्टेंस। कह रहा है कि उतना ही डिस्टेंस यानी कि 480 किलोमीटर अब चलने में, नए स्पीड से चलने में उसे 3 आवर ज्यादा लग गए, 3 आवर्स मोर। स्पीड कम हो जाती है तो टाइम बढ़ जाता है, तो 3 आवर मोर। तो कह रहा है कि इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन में फॉर्म करें। तो सपोज कर लिया हमने कि लेट द यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ ट्रेन इज एक्स किलोमीटर पर आवर, यूनिफॉर्म स्पीड एक्स है, तो इस स्पीड से 480 किलोमीटर चलने में कितना टाइम लगेगा, तो सो टाइम टेकन टू ट्रेवल 480 किलोमीटर। तो आप जानते हैं कि टाइम के लिए डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है, डिस्टेंस 480 किलोमीटर अपॉन स्पीड है एक्स, यूनिफॉर्म स्पीड है, इतना आवर 480 अपॉन एक्स आवर हो जाएगा। क्लियर। अब आगे कंडीशन कह रहा है कि इफ द स्पीड डिक्रीज बाय 8 किलोमीटर पर आवर, स्पीड 8 किलोमीटर पर आवर डिक्रीज कर दिया गया, डिक्रीज मैंने कम कर दिया गया, सब्ट्रैक्ट कर दिया गया, तो न्यू स्पीड जो होगा x माइनस 8 किलोमीटर पर आवर हो जाएगा। अब इस न्यू स्पीड से 480 किलोमीटर चलने में कितना टाइम लगेगा, तो अगेन टाइम टेकन टू ट्रेवल 480 किलोमीटर बाय न्यू स्पीड, नया स्पीड से क्या होगा, तो डिस्टेंस आप ऑन न्यू स्पीड, 480 डिस्टेंस हो गया, आप ऑन न्यू स्पीड कितना हो गया x माइनस 8, इतना आवर हो गया। अब क्वेश्चन ये कह रहा है कि पहले जितना टाइम लगता था, ये पहले टाइम इतना लगता था, अब दूसरी बार टाइम जब स्पीड कम किया गया तो इतना लगा, तो पहले का टाइम जो है वो पहले का टाइम दूसरी वाले टाइम से 3 कम था, यानी कि दिस टाइम इज 3 लेस देन दिस टाइम। यार सेकंड पोजीशन क्या आ सकता है कि दिस टाइम यानी कि स्पीड कम करने पर जो टाइम आया वो फर्स्ट टाइम से 3 आवर मोर है, तो क्या करेंगे इसका डिफरेंस निकाल लेंगे, ये मोर है, ये बड़ा है, तो पहले इसको लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 480 अपॉन एक्स माइनस 8 इतना आवर, और इसमें से इस आवर को माइनस करेंगे ये पहले वाला 480 अपॉन एक्स, तो क्वेश्चन कह रहा है कि 3 आवर ज्यादा लगेंगे, यानी कि ये 3 आवर मोर देन दिस टाइम, दिस टाइम इज 3 आवर मोर देन दिस टाइम, तो बड़े वाले टाइम में से छोटे वाले टाइम को माइनस कर लेते हैं, दैट इज 3, 480 कॉमन ले लेंगे, ये हो जाएगा 1 अपॉन एक्स माइनस 8 माइनस 1 अपॉन एक्स इज इक्वल टू 3, ये 480 को इधर लाकर या अपॉन हो जाएगा, इधर मल्टीप्लीकेशन है, इधर अपॉन हो जाएगा, 3 अपॉन 480 कट ऑफ हो जाएगा 1 अपॉन 160, इधर इन दोनों का एलसीएम लेंगे x माइनस 8 इंटू एक्स, इससे डिवाइड करेंगे तो ये x माइनस ये हो जाएगा x माइनस 8, ये ब्रैकेट ब्रेक करेंगे x माइनस x माइनस इंटू माइनस प्लस 8 इज इक्वल टू, इसका मल्टीप्लीकेशन करेंगे x स्क्वायर माइनस 8 एक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन 160, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 8 में 1 का करेंगे, 8 एक्स में 1 का करेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 8 एक्स, और 8 में 160 का करेंगे तो 1280, इसको इधर ट्रांसफर कर लेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 8 एक्स माइनस 1280 इज इक्वल टू 0, दिस इज द लीनियर इक्वेशन। ओके थैंक यू, आप इसको कंप्लीट कर लेंगे, फर्स्ट लेक्चर में आपको जो भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में भेजा गया है उसको और इसको फेयर की कॉपी में आप लोग करेंगे, क्लियर, फेयर की कॉपी में करेंगे, सॉल्व करेंगे। ओके थैंक यू।